खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। कैफे कॉफी डे के संस्थापक सिद्धार्थ 2017 से ईडी और इनकम टैक्स के रडार पर है। बताया जा रहा है कि सीसीडी पर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज है। एनओसी में पाकिस्तान ने फिर किया सीज फायर का उल्लंघन, सुंदरबनी से लेकर तंगधार तक भारतीय सेना दे रही करारा जवाब। सुंदरबनी सेक्टर में पाक की फायरिंग में भारतीय सेना का एक जवान शहीद, 4 जवान घायल, पाक के 2 सैनिकों के मारे जाने की खबर। जम्मू कश्मीर में सेना ने किया 3 आतंकियों को ढेर, अनंतनाग में जैश के 2 आतंकी मारे, गुरेज सेक्टर में 1 आतंकी मारा गया। आज से 15 अगस्त तक घाटी में एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन में हिस्सा लेंगे लेफ्टिनेंट कर्नल ऑनरेरी महेंद्र सिंह धोनी, भारतीय सेना की राष्ट्रीय राइफल्स में तैनात किए जाएंगे। सड़क हादसे में जख्मी उन्नाव रेप कांड की पीड़ित की हालत बेहद गंभीर, गिर रहा है ब्लड प्रेशर, अभी भी वेंटिलेटर पर है पीड़ित। उन्नाव रेप कांड पीड़ित की चाची का आज होगा अंतिम संस्कार, चाचा को 1 दिन की पैरोल मिली, रायबरेली में हुए हादसे में हुई थी चाची की मौत। उन्नाव रेप पीड़िता के लिए आज यूपी कांग्रेस रखेगी 1 दिन का उपवास, पीड़ित के अच्छे इलाज और आरोपी विधायक कुलदीप सेंगर को बीजेपी से बर्खास्त करने की मांग।